मेरा पति आने वाला है कुछ दिनों में। तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? अक्षत बेटा, मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आऊँ, चल। पर तूने एक मौका तो देकर देख। ये हुई ना बात। I love you, मीरा। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आज पूरे 6 महीने हो गए हमारे प्यार को। हाँ मीरा, मैं भी सोच रहा हूँ कि तुम्हारे पापा से बात कर लूँ हमारे रिश्ते की। वो क्या है ना, अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। बात तो करनी ही पड़ेगी, पर मैं क्या सोच रही थी, मेरा बर्थडे आने वाला है कुछ दिनों में, सबको बताएंगे, सबके लिए कितना बड़ा सरप्राइज होगा। और हाँ, अक्षत भी तो आने वाला है, उसे भी तो बताना है। देखना, सबसे ज्यादा अगर कोई खुश होगा ना तो वो अक्षत है। पर वो आएगा भी? आएगा कैसे नहीं, उसने मुझसे वादा किया है कि वो इस बार तो मेरे बर्थडे पर जरूर आएगा। हाँ देखते हैं। वैसे तुम कहाँ जा रही हो, थोड़ी देर और बैठो ना। कपिल और पापा आने वाले, चलो उठो जल्दी, रेडी हो जाओ, चलो। पक्का अक्षत का ही वीडियो कॉल आ रहा होगा। हाय अक्षत। कहाँ हो यार तुम लोग, कब से कॉल लगा रहा हूँ मैं। भूतन भी, तू भी वहीं है? अरे यार बस अभी आया हूँ, तू बता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तुम लोग को एक गुड न्यूज देनी है, मैं बहुत जल्दी मेरठ आ रहा हूँ, इस बार तुम्हारा बर्थडे साथ में मनाएंगे हम मीरा। वाओ, तेरी छुट्टी अप्रूव हो गई। हाँ। वैसे हमें भी तुझे कुछ बताना है। क्या? अरे सरप्राइज है ये, बस अपने बर्थडे पर बताएगी। और बता, तूने शरद अंकल से बात की? यार देख यार, मेरा मूड ना इस टाइम बहुत अच्छा है, ऐसे खराब मत कर उसका नाम लेकर। और अगर तूने दिमाग खराब किया ना तो मैं इस बार भी बर्थडे पे नहीं आऊंगा, मैं बता रहा हूँ। अरे नहीं करूंगा, तू बस आ जा। हाँ अगर इस बार तू नहीं आया ना तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा। नूतन भी नहीं करेगा और हमारी दोस्ती खत्म। नहीं होगी हमारी दोस्ती खत्म, इस बार कुछ भी हो जाए मैं पक्का आऊंगा, आई प्रॉमिस। दैट्स लाइक माय फ्रेंड। चलो अभी मैं लेट हो रहा हूँ, ऑफिस के लिए निकलना है, मैं बाद में बात करता हूँ, बाय बाय। गुड न्यूज तो मुझे भी तुम्हें देनी है मेरा, इस बार तुम्हें प्रपोज करके रहूंगा। आई लव यू मीरा, आई लव यू। देखा मधु, कितना जिद्दी हो गया हमारा बेटा, पूरे 2 साल हो गए हैं लेकिन अभी भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। हेलो, हाँ मैं निकल ही रहा हूँ। हाँ ओके। पता नहीं अक्षत की अपने पापा से ये नफरत कब खत्म होगी। भगवान ही जाने कब खत्म होगी भी या नहीं। अरे मैं तो समझा समझा कर थक गया हूँ अक्षत,
वैसे अक्षत का गुस्सा गलत नहीं है। शरद अंकल ने हमेशा से पैसे और बिजनेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है फैमिली से। तुम्हें पता है मधु आंटी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, फिर भी उन्हें वो अकेला छोड़कर दुबई चले गए। फिर वही हुआ जिसका सबको डर था, मधु आंटी को हार्ट अटैक आ गया। और फिर तो ये बात का अफसोस होने भी तो है ना, लेकिन यही बात है जो अक्षत समझना ही नहीं चाहता। समझेगा, एक दिन तो जरूर समझेगा। उसके पापा हैं, वो उनसे कितने दिन तक नाराज रह सकता। अरे नूतन कैसे हो बेटा? नमस्ते अंकल। सर कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। हाय कपिल। सर बढ़िया। अच्छा मेरा वो अनिल आया हुआ है दिल्ली से, तो शाम को मैंने उसे डिनर पर बुलाया, तो डिनर में कुछ उसकी पसंद का बना लेना था। जी अच्छा मीरा, मैं भी चलता हूँ। ओके कपिल, रात को मिलते हैं। मिलते हैं। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो इस ड्रेस में। थैंक यू। आओ आओ अनिल, तुम्हारा इंतजार हो रहा था। आओ बेटा आओ। नमस्ते। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अब मीरा पानी लाओ अनिल के लिए। जी नमस्ते अनिल भैया। नमस्ते, कैसे हो कपिल? मैं बहुत। पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। और नूतन कैसे हो? मैं बढ़िया, तुम बताओ? मैं भी बहुत बढ़िया। और बेटा अनिल, कितने दिनों की छुट्टी लेकर आए हो आपकी? छुट्टी पे नहीं अंकल, कंपनी के काम के सिलसिले में यहाँ पर आना हुआ है। एक्चुअली कंपनी हमारी मेरठ में नया ब्रांच खोल रही है, एंड टचवुड सारी की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर है, तो जब तक वो काम नहीं हो जाता तब तक मैं यहीं रहूँगा। एक दो महीने लग सकते हैं? जी अंकल, आराम से। और कंपनी। थैंक यू। और इस बीच सोच रहा हूँ कि शादी करके ही जाऊँ। क्यों मीरा, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ, लड़की मेरठ से या फिर दिल्ली से? अंकल आपने मीरा को नहीं बताया था? नहीं। क्या नहीं बताया? देखो ऐसा है मीरा, इधर आओ ना। यहाँ बेटा, यहाँ बैठो। आओ बैठो। देखो मीरा, तुम्हें तो पता है कि अनिल के पापा और मैं दोस्त थे। ज़रूरत के वक्त उन्होंने मेरी काफ़ी मदद भी की थी। तो पिछले साल आखिरी वक्त में उन्होंने मुझसे एक वादा लिया था कि मैं तुम्हारी और अनिल की शादी कर दूँ। मैंने भी उन्हें वादा दिया था कि मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। पापा भी क्या बोल रहे, मुझसे पूछा भी नहीं और मेरा रिश्ता तय कर दिया। बेटा इसमें पूछना क्या था, तुम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे, मुझे लगा कि पसंद भी करते होंगे, और मुझे मेरी बेटी पे बहुत भरोसा था कि वो मुझे मना नहीं करेगी। अनिल बेटा, मैं कल ही पंडित जी से बात करता हूँ। नहीं, मुझे ये शादी नहीं करनी है। नहीं मेरा क्या बोल रही है बेटा? सही कह रही हूँ पापा, मुझे ये शादी नहीं करनी है, और मैं आपको अपने बदले पे बताने ही वाली थी। मैं और नूतन एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। पापा आपको वादा करने से पहले एक बार पूछ तो लेना चाहिए था ना मुझसे। अंकल, अंकल मैं भी मीरा से बोलते हैं। चुप, तू नूतन बीच में नहीं बोलेगा, मैं मेरी बेटी से बात कर रहा हूँ। मीरा तुमने मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा? आपने भी तो एक बार भी नहीं सोचा ना मेरे बारे में वादा करने से पहले। और तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? मीरा! रहने दीजिए अंकल, मीरा सही कह रही है। एक्चुअली आपको मीरा से पूछकर ही मेरे पापा से वादा करना चाहिए था। मीरा आई एम रियली सॉरी यार, मुझे पता नहीं था कि तुम नूतन से प्यार करती हो, नहीं तो मैं कभी शादी का जिक्र भी नहीं करता। आई एम रियली सॉरी गाइस। पापा देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। पापा मैं आपको, पापा पापा क्या हो रहा है? पापा पापा कपिल एम्बुलेंस को फोन करो, कपिल एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी, पापा को अटैक आ रहा है, पापा को अटैक आ रहा है। Thank you.
मीरा, इनकी पल्स नहीं चल रही है। पापा! पापा! का ख्याल रखने के लिए कब क्यों टेंशन ले रही है दी? कपिल, सारी गलती मेरी है कपिल, मुझे पापा से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। देखो क्या हो गया। आई एम सो सॉरी कपिल। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए मीरा, ना मैं उस दिन शादी की बात करता और ना ये सब कुछ होता। प्लीज मुझे माफ कर दो तुम दोनों। मीरा, अक्षत, पापा नहीं रहे। अक्षत, मीरा संभालो अपने आप को। मीरा, मेरी गलती, सॉरी मेरे कुछ। मीरा, ये देखो मैंने तुम्हारा फेवरेट पास्ता बनाया है। नहीं अक्षत, मुझे भूख नहीं है। अरे क्या मीरा, फिर से वही बात, ये जेब छोड़ो और कुछ खा लो। देखो मीरा, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, लेकिन इस तरह भूखे रहने से कोई फायदा नहीं है। और फिर कपिल के बारे में सोचो, उसने भी कुछ नहीं खाया। कपिल, तूने कुछ नहीं खाया? जब तक आप नहीं खाओगी मैं कैसे खा सकता हूँ? और पापा के जाने का दुख मुझे भी है, लेकिन जब आपको ऐसे देखता हूँ तो दुख ज्यादा होता है। आज पापा की जगह मैं ही चला गया होता तो शायद आपको इतना दर्द नहीं होता। कपिल, पागल हो गया है क्या? ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तो मेरा बहादुर भाई है ना, हम दोनों साथ में खाना खाते हैं। अक्षत बेटा, कैसा है तू? तू नहीं बुलाया होगा इन्हें, है ना? अक्षत, एक बार बात तो कर। कोई बात नहीं करनी है मुझे। अक्षत बेटा, मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आऊँ, चल मेरे साथ घर चल। अरे कौन सा घर, कौन बेटा? कोई बेटा बेटा नहीं हूँ मैं आपका, सारे रिश्ते खत्म कर चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ आपको। ये बेहतर होगा यहाँ से चले जाइए। अक्षत, अक्षत मेरी बात सुन, बात सुन मेरी। अंकल, कौन करता अपने पापा के साथ ऐसा यार? कैसे रोते रोते गए अंकल यहां से? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जिंदगी भर रोएंगे। अक्षत, तेरा गुस्सा सही है पर तेरी ये नफरत सही नहीं है। एक बार बात तो करके देख उनसे। अक्षत, जितना बुरा तू अंकल को समझता है ना, उतने बुरे अंकल है नहीं। रोज कॉल करते हैं मुझे, पूछते हैं तेरे बारे में कि तू ठीक तो है, कोई परेशानी तो नहीं तुझे। कभी कभी तो फोन पे बात करते करते ही रोने लगते हैं अंकल यार। देख अक्षत, पापा को खोने का गम क्या होता है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जिस तरह मैं पछता रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुझे भी पछताना पड़े। मुझे मौका नहीं मिला पर तेरे पास मौका है। माना तेरे पापा बुरे इंसान, पर तूने एक मौका तो देकर देख, क्या पता फिर ये मौका मिले या ना मिले। ठीक है, अगर तुम लोग कहते हो तो मैं जाऊंगा, लेकिन उस सबसे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उस आदमी को अपने पैसों और अपनी पोजीशन के अलावा किसी और चीज की अहमियत ही नहीं है। अक्षत, तू अक्षत मेरे बेटा, तू आ गया घर। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है,
मैं यहाँ सिर्फ अपने दोस्तों के कहने पे आया और वो भी दो दिन के लिए। हेलो, हाँ जय, मैं ना आज ऑफिस आने वाला नहीं हूँ। हाँ अरे यार, जितनी भी मीटिंग है कैंसिल कर दो। हाँ अरे मुझे पता है यार, करोड़ों की डील है, लेकिन तुम संभाल लो ना। हाँ मैं दो तीन दिन तक नहीं आने वाला हूँ। हाँ चलो रखता हूँ, ओके। अरे अक्षत, अरे भाई डिनर रेडी है और जो कुछ भी बनाया ना मैंने अपने हाथों से बनाया और सब तेरी पसंद का बनाया। चल आजा डिनर करते साथ में। भूख नहीं है मुझे भाई, सब करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, वैसे भी कल जाने वाला हूं मैं, तो सब नाटक बंद कीजिए। चल कोई बात नहीं, अगर तेरे को डिनर नहीं करना है तो ठीक है, तो ड्रिंक बनाऊं तेरे लिए? नहीं। अच्छा तो पापा के साथ ड्रिंक करने में झिझक रहा है? चल खैर, अपने बाप की इतनी तो इज्जत करता है तू। इज्जत भूल जाएगा। ये हुई ना बात। अक्षत, अगर आज तेरी माँ जिंदा होती ना तो हम दोनों को साथ में देखकर बहुत खुश होते, पर जिंदा नहीं है वो। पता है, कई कई दिन जब आप शहर से बाहर रहते थे ना तो अकेले बैठ के रोया करती थी आपको याद करके, और मुझे बहुत बुरा लगता था। और मैं उनसे कहता था कि आपसे कुछ कहती क्यों नहीं है, तो मुझे बोलती थी कि आप हमसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन वो गलत थे। आपने हमेशा अपने बिजनेस और अपने पैसों को हम माँ बेटों से ज्यादा प्यार किए, और उसी का नतीजा है कि आज माँ जिंदा नहीं है। अगर आप उन्हें उस दिन अकेला छोड़कर दुबई ना जाते ना, आज मां जिंदा होती। अक्षत जी गलत है, मैंने हमेशा तुम दोनों से सबसे ज्यादा प्यार किया, ना कि अपने बिजनेस और पैसे को। हम दोनों ने बहुत करीबी देखी और बहुत करीब से देखी थी, और हम दोनों ने फैसला किया था कि इस करीबी का साया तुझ पे नहीं पड़ने देंगे, और बस फिर मैं लग गया पैसा कमाने के लिए, जो इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया वो सब सिर्फ तेरी माँ की वजह से। अगर वो ना होती तो शायद इतना बड़ा बिजनेस कभी खड़ा नहीं हो पाता। और सुन, उस दिन मैं दुबई नहीं जा रहा था मीटिंग के लिए, लेकिन तेरी माँ ने मुझे कसम देकर जबरदस्ती भेजा। वो नहीं चाहती थी कि ये डील कैंसिल हो। काश मैंने उसकी बात ना मानी होती। मुझे नहीं पता था कि वो हमेशा के लिए मुझे छोड़ के चली जाए। वो चली गई और उसके बाद तो भी मुझे छोड़कर मुंबई चला गया। एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में है? इतनी नफरत करता है अपने पापा से। अगर तू ये मानता है कि मैं गुनहगार हूं तेरी माँ की मौत का, तो जो सजा देनी है मुझे दे, लेकिन मुझसे दूर मत जा, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, वापस आ जा। नहीं जी पापा, प्लीज पापा, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए पापा, मैंने आपको गलत समझा पापा। आई प्रॉमिस मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा पापा। आई एम सो सॉरी। हाँ नूतन, तुझे याद भी आज मीरा का बर्थडे है? अरे यार मैं ये कैसे भूल गया, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे तू आ तो जाएगा, लेकिन वो सेलिब्रेट भी करेगी। अरे उसके पापा की डेथ हुई है यार कुछ ही दिन पहले, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि उसे विश करूँ भी या नहीं, कहीं बुरा ना मान जाए यार वो। तो फिक्र मत कर बिल्कुल भी, हम उसे सरप्राइज पार्टी देंगे। हाँ देख, ये एक मौका है कि हम उसे उसके सदमे से बाहर ला पाए, तो टेंशन मत ले, मैं आ रहा हूँ।
क्या हो बेटा, सब ठीक तो है? पापा मुझे जाना पड़ेगा। इतनी रात में? बस मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा और एक अच्छी न्यूज लेके आऊंगा। आप तब तक खाना खाइए। ठीक है बेटा, आई लव यू पापा। ना दी जल्दी आइए दी। क्या हुआ कपिल, सब ठीक तो है? हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। अरे आओ जस्ट केक कट करो। आओ ना दीदी। ये सब क्या है? सारी बातें बाद में, पहले केक कट। अक्षत अरे कम ऑन चलो 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 जल्दी से। कम ऑन मीरा, कम ऑन। हैप्पी बर्थडे। Happy birthday! अक्षत, तुमने पी रखी है? Actually वो मेरी पापा से सुलह हो गई है ना, तो बस थोड़ी सी। अरे वाह, ये तो डबल खुशी की बात है। फिर तो अंकल और भी खुश होंगे ना? हाँ, अंकल तो उसी दिन खुश हो गए थे जिस दिन मैं घर गया था। चलो तो तुम्हारी खुशी को और बढ़ा देते हैं। मैं और नूतन तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। मैं और नूतन। अब मीरा, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना था। एक्चुअली बहुत देर से मैं कुछ कहना चाहता था, कह नहीं पा रहा था, और इसी मौके का इंतजार कर रहा था मैं। ओ मीरा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब से नहीं, कॉलेज के दिनों से तुम्हें चाहता हूँ। आई लव यू मीरा। अरे आओ ना। हैप्पी बर्थडे मीरा। थैंक यू। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, अक्षत तुम्हें क्यों प्रपोज कर रहा था? तुम तो नूतन से प्यार करती हो ना? क्या क्या कहा तुमने? ओ, तो तुम्हें भी नहीं पता था? क्यों मीरा, तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड अक्षत को भी नहीं बताया? अक्षत वो मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। नूतन और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार। क्या बकवास कर रही हो तुम? अगर ऐसा था तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अक्षत पहले से नहीं था ये, बस 6 महीने से हम एक रिलेशनशिप में हैं। तो चुप बैठ साले, आस्तन का सांप निकला बे तू। अक्षत मेरी बात सुन। मैं तुझे दोस्त माना मैंने, बचपन से सपोर्ट किया तुझे मैंने, और तूने ये सिला दिया। अक्षत बोल। अक्षत अक्षत छोड़ो उसे, पागल हो गए हो तुम? अभी तुमने पी रखी है, तुम घर जाओ, हम कल सुबह बात करते हैं। तो मुझे जाने को कह रही है? अरे दो दिन मुंबई के क्या, तूने सूतन का हाथ पकड़ लिया? मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? माफ नहीं करूंगा मैं। अक्षत 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 छोड़ मेरा, छोड़ मेरा को। अबे हट, पीछे हट तू, ये दोनों के बीच का मामला है। अक्षत भैया दीदी को छोड़िए। हट, मुझे मारेगी तू? अक्षत मुझ पे हाथ उठाया? हाँ तो देख मैं क्या करता हूँ, तेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगा मैं। अक्षत क्या हुआ, सब ठीक तो है? क्या कर रही है? कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। मैं मीरा से प्यार करता था, लेकिन वो नूतन से प्यार करती थी। उसने मुझे बताया तक नहीं, धोखा दिया मुझे। अरे मैं नूतन मुंबई के चले गया, उसने नूतन का हाथ पकड़ लिया। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगा पापा। अक्षत अक्षत तू छोड़ 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 इसे छोड़।
प्यार करता था ठीक हो जा क्या रक्षत तो कॉल ही नहीं उठा रहा है अंकल से बात हुई हुई थी वो कह रहे थे वो उससे बात करेंगे ट्राई करते रहो दी मुझे लगता है कि आप दोनों को शादी कर लेनी चाहिए जितना जल्दी शादी होगी उतनी जल्दी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी नहीं पापा मुझे नहीं चाहिए मुझे भी अकेला छोड़ दो अक्षत बेटा देख मैं तेरी फीलिंग समझता हूं तुम तीनों बहुत अच्छे दोस्त रहे हो बचपन से और नूतन मुझे कितने फोन कर चुका है तुझसे बात करने के लिए सही कह रहे हैं पापा मुझे उन दोनों से जाके बात कर लेनी चाहिए वरना कॉफी पी लेना अनुतन मुझे तुझसे और मीरा से कुछ बात करनी है आज शाम को मीरा के घर पे मिलते हैं नहीं मैं अभी नहीं आ सकता हाँ बचा है कुछ काम वो खत्म करके ही आऊंगा क्या हुआ अक्षत ने फिर से तुम्हारे पर हाथ उठाया मीरा क्या हुआ मीरा अक्षत 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 बेटा अक्षत बेटा हेलो अक्षत बेटा तुम कहाँ हो जी आप कौन बोल रहे हैं मैं इंस्पेक्टर त्यागी बोल रहा हूँ आप जहां कहीं भी हैं जल्दी से बागपत रोड पर आइए फॉरेंसिक वालों को फोन किया यस सर क्या हो गया तुझे अक्षत अक्षत बाल अक्षत संभालिए खुद मेरे बेटे को क्या हो गया डॉक्टर साहब तूने मारा ना मेरे बेटे को तूने मारा बेटे को चल जाओ सब छोड़िए डॉक्टर साहब इसीलिए मारा मेरे बेटे को कल रात को मेरा बेटा इन्हीं लोगों से मिलने के लिए गया था अरे इसके लिए इनको सर
मीरा अक्षतुर में बचपन के दोस्त हैं। मैं और मीरा एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन ये बात अक्षत को पता नहीं थी। और अक्षत भी मीरा से प्यार करता था। जब उसे उस दिन ये बात पता चली तो उसने बहुत गुस्सा किया, और कल रात वो घर भी आया था। तो उसने कल रात भी तुम पर गुस्सा किया? नहीं सर, वो तो सिर्फ मुझसे माफी मांगने आया था। माफी मांगने? हाँ नूतन, वो सिर्फ माफी मांगने आया था। नूतन नहीं आया? नहीं। वैसे आज तुम क्यों आए हो? सिर्फ लड़ने आए हो या फिर मुझे मारने आए हो? मीरा, I'm really sorry, मीरा, मुझे नहीं पता था कि तुम नूतन से प्यार करती हो। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें कभी प्रपोज ही नहीं करता। और रही बात कल के गुस्से की, तो मैं सच कहूं तो बहुत डर गया था। माँ के जाने के बाद बहुत अकेला हो गया था, और उसके बाद तुम और नूतन ही थे जिसकी वजह से मैं वो सदमे से बाहर आ पाया। तुम्हें चाहता हूँ, ये तुम्हें बहुत बहुत पहले से कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाया। और सच कहूँ मैंने तुम्हारे साथ अपनी एक दुनिया सजा ली थी, और फिर जब मालूम पड़ा कि तुम मुझसे नहीं नूतन से प्यार करती हो, तो उस दुनिया को अपने सामने बिखरते हुए देख कर ना मैं आपको रोक नहीं पाया। खामखा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया, और मैं तुम पर हाथ उठा बैठा। मैं हाथ उठा बैठा। अक्षय, खुद को सजा मत दो। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। नूतन आता ही होगा, हम तीनों मिलकर इस बारे में बात करते। मीरा, मैं अब जा रहा हूँ। मैं हमेशा हमेशा के लिए मुंबई जा रहा हूँ। I'm sorry. वो नूतन को भी मेरी तरफ से सॉरी बोल देना, और अपना ख्याल रखना। एक बार अक्षत बैठ। सर, वो फिर वहां से चला गया, और उसके बाद अनिल आया था, और अनिल के बाद नूतन। अनिल भी मीरा से शादी करना चाहता था। हाँ सर, ये बात सच है कि मैं मीरा से शादी करना चाहता था, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद मीरा भी मुझे पसंद करती है। पर जब मीरा ने मुझे बताया कि वो नूतन से प्यार करती है और उसके साथ शादी करना चाहती है, तो सर मैं पीछे हट गया। और रही बात अक्षत की, तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था जब अक्षत ने मेरे आंखों के सामने मीरा को थप्पड़ मार दिया था। पर सर, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैंने उसका मर्डर किया है। कल रात को कहाँ थे तुम? कल रात सर मैं अपने घर पे ही था। ये सब हमारी वजह से हो रहा है मीरा, पहले पापा का मरना और अभी अक्षत। ये सब इस प्यार की वजह से हो रहा है। मैंने तो गलती कर दी मीरा तुमसे प्यार करके। ये सब क्या कह रहे हो नूतन? सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैंने कहा था ना तुमसे कि अक्षत को बता दो हम दोनों के बारे में, लेकिन तुम्हारी जिद थी कि नहीं बर्थडे के दिन बताऊंगी। अब ये उसी जिद का नतीजा है मीरा। सारी गलती तुम्हारी है मीरा, सारी गलती तुम्हारी है। पागल हो गए हो तुम, क्या बड़बड़ किए जा रहे हो? मैं लगता है कि अक्षत की जो मौत हुई है और ये सब जो मर रहे हैं वो मेरी वजह से मर रहे हैं। तुम्हें यही लगता है? अगर तुम्हें यही लगता है ना तो जाओ यहां से, क्योंकि क्या पता कि तुम भी मेरे वजह से मर जाओ। दी, अब रो मत दी, चुप हो जाओ दी। ये सब पहले अक्षत और अभी नूतन, कोई अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। नूतन, प्लीज उठो नूतन। कभी
कमल क्या होगी दोनों जाएंगे। ये फॉरेंसिक वालों ने सबके फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए कहे थे, लिए? यस सर। ये सब कुछ हो रहा है ना, ये सब मेरी वजह से। नूतन बिल्कुल सही कह रहा था, अक्षत के मौत की जिम्मेदार मैं हूँ, नूतन की मौत की जिम्मेदार भी मैं हूँ, सबके मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे मरना है। दी कुछ नहीं किया आपने, मत बोलो ऐसा। क्या हुआ मीरा, तुम ठीक तो हो? कपिल क्या समझते हो तुम खुद को? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम्हें क्या लगा था कि तुम अक्षत को मार दोगे, तुम नूतन को मार दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी? तुम्हारा ये सपना ना सपना ही रह जाएगा, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी और इसकी सजा मैं तुम्हें दिलवा के रहूंगी। मीरा! सोचना भी मत, अभी हम दोनों को अकेला छोड़ दो, जाओ यहां से, निकलो। दी कुछ नहीं कह दिया आपने। शरद, तेरा खेल खत्म। तुझे क्या लगता है तू एक के बाद एक कत्ल करता रहेगा और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेगी? अरे हमें लगा अनिल ने ये सब कुछ किया है, पहले उसने अक्षत को और फिर नूतन को मारा ताकि वो मीरा से शादी कर सके। बाद में हमें पता चला कि जिस रात अक्षत और नूतन का कत्ल हुआ था उस रात तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में होटल में था। हमें लगा कि कोई है जो इन तीनों दोस्तों को मारना चाहता है और इस हिसाब से अब नंबर मीरा का था, इसीलिए हमने इसके घर के बाहर पहरा बैठा दिया ताकि कातिल पकड़ा जा सके, और वही हुआ जैसा सोचा था। बता क्यों और कैसे मारा नूतन को? हाँ, मैंने मारा नूतन को, मेरे बेटे की मौत हुई थी, मारा गया था उसे, और मेरे बेटे की मौत के बाद से मैं इन सब पे नजर रखे हुआ था,
और जैसे कल मुझे नूतन मिला मैंने उसे नूतन बेटा कहाँ जा रहे हो? बस अंकल घर जा रहा था। आओ बेटा मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, बैठो। जी अंकल। थैंक यू अंकल। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, लगता कुछ प्रॉब्लम है, मैं देखता हूँ। अंकल आप रहने दीजिए, मैं देखता हूँ, आप बोनट खोल दीजिए। ओके। मुझे बताइए किसने मारा उसे? कपिल ने मारा है अक्षत को। ये क्या कह रहे हैं आप? हमारे पास सबूत है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से अक्षत की बाइक के फ्यूल पाइप पर इसी के उंगलियों के निशान थे। जाहिर सी बात है, इसी ने फ्यूल पाइप को इंजन से अलग कर दिया ताकि अक्षत ज्यादा दूर ना जा पाए और ये उसे मार दे। क्यों कपिल, सही कह रहा हूँ ना मैं? कपिल तुम्हें बोल दे कि ये झूठ बोल रहे। ये सच बोल रहे। मैंने अक्षत भैया को मारा था। उस रात जब वो दोबारा घर आए थे था वो आपको सॉरी बोलने आए थे। मुझे लगा उन्होंने आपके ऊपर दोबारा हाथ उठाया। मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मैंने उनकी बाइक के फ्यूल का पाइप निकाल दिया और फिर मैं आगे जाके उनका इंतजार करने लगा। देख सकता, मुझे लगा अक्षत भैया पूरी जिंदगी आपको ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। और उस रात उन्होंने धमकी भी तो दी थी आपको और नूतन भैया को जान से मारने की। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कैसे रहता आपके बिना? इसलिए मैंने अक्षत भैया को जान से मार दिया। कपिल ये क्या कर दिया तुमने? ना प्यार करता है अपनी दीदी से। मेरे भाई कहीं जाएगा? मेरा भाई कहीं नहीं जाएगा। आप मेरे भाई को नहीं लेके जा सकते। नहीं, मेरे भाई को मत लेके जाइए। मेरे भाई को मत लेके जाइए। कब है?